माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपको दिखाऊंगी अपना प्यारा सा छोटा सा किचन। ये मैंने 8 माह पहले बनाया है बड़े प्यार से और बहुत ही मेहनत से ये बनवाया मैंने किचन। तो आप देखें आपको कैसा लगता है ये किचन मेरा, और थोड़ा सा आइडिया आपको हो जाएगा इससे। तो ये देखें जी, 8 माह पहले जब मैं आई थी नॉर्वे से, तो मेरा जो पुराना किचन था ऐसे इसको दीमक लग गई थी, तो बंद रहा है काफ़ी देर। तो फिर उसको तोड़ा है, बच्चों ने कहा था अम्मी नया बनवा लें, तो उसको तोड़ के तो फिर ये देखें जी नया स्टार्ट हो चुका है बनने के लिए। पहले इसका ऐसे ढांचा तैयार हुआ था। तो ये जो मेरा प्यारा सा किचन है, इसकी सारी डिज़ाइनिंग मैंने खुद की है और मैंने बड़े प्यार से इसको बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनों और सोने सी शहजादी बेटियों और अच्छे से भाइयों, आप सबको अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, हर मुसीबत हर परेशानी से अल्लाह जी बचा के रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं अपना प्यारा सा किचन आपको दिखाऊंगी, तो थोड़ा सा आइडिया दूंगी। किचन में औरत ने रहना होता है, और मैं कहती हूँ कि मेरे भाइयों को चाहिए कि औरत की मर्ज़ी से ही किचन को बनने दे, कि कौन सी चीज़ किस जगह पे रखनी है और कौन सी किस पे रखनी है वो औरत को पता होता है। तो ये जो मैंने अपना किचन बनवाया है, ये सारा इसका जो डिज़ाइन है वो मैंने खुद डिज़ाइन की है, और मेरे बेटों ने मुझे मेरे हस्बैंड ने मुझे पैसे दे दिए थे और मुझे कारपेंटर ला दिए थे। तो वो सारा ये जो इसका है ना डिज़ाइन मैंने खुद डिज़ाइन किया है, और देखें ये माशाल्लाह आपको कैसा लगता है, तो थोड़ा सा आइडिया आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करूँगी इधर से, ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने अपनी ज़रूरत के मुताबिक किचन को बनवाया है। ये देखें जी इधर से मैं एंटर होती हूँ, और सबसे पहले मेरी ये आएगी अलमारी, और इसमें मैंने ये रखे हुए हैं प्यारे प्यारे से ये चीज़ें रखी हुई हैं मैंने। इसमें कप भी हैं जो मैं नॉर्वे से लेके आई थी, और ये सबसे पहले ये अलमारी आती है, और फिर साथ ही इसके नीचे ये अलमारी है, ये देखें जी। और इसमें मैंने अपनी मशीनरी रखी है, ये देखें एक ही जगह पे एक किस्म की मैंने रखी है कि मुझे जब मैंने काम करना होए मुझे मुश्किल ना होए, ठीक है जी। तो ये आ जाते हैं हम इधर, और इधर मैंने ये शीशे के बर्तन रखे हुए हैं, कभी कभी ये इस्तेमाल होते हैं, ये देखें जी। तो ऊपर भी रखे हुए हैं, और साथ ही इसके नीचे आ जाएं, ये है माइक्रोवन माइक्रोवेव है ये, इसमें आपको पता ही है खाना वगैरह गर्म होता है। और साथ में ये मेरा है बेकिंग ओवन, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें जी ये मेरा बेकिंग ओवन है। और ये इसके नीचे जो है, ये देखें जी मुझे चाहिए बेकिंग के लिए चीज़ें, तो मैंने एक ही जगह पे ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं, ये देखें जी ये सारी चीज़ें मैंने इधर ही रखी हुई हैं। ये मेरी छुरियाँ हैं, ये भी मैं बाहर से ही नॉर्वे से लेके आई थी, और ये इसमें सब चीज़ें मैं नॉर्वे से लेके आई थी। तब मैंने अपना चैनल भी नहीं बनाया था, और मैं मुझे शौक़ है चीज़ें ऐसी किचन की इकट्ठी करने का। तो ये देखिए इधर स्पैचुला है, और ये केक के वो सांचे हैं,
ये देखें जब केक बनाते हैं तो इससे ग्रामों का भी है और केजी का भी है। ये मेरी नूडल्स बनाने वाली मशीन है। तो ये देखें ये चीज़ें मैंने ये इधर रखी हैं बेकिंग ओवन के नीचे के, इधर से निकालो और इस्तेमाल कर लो। ठीक है जी, तो अब हम आते हैं इधर। तो ये देखें जी ये है हुड। अब जो ऊपर से हुड नंगा होता है वो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो ये मैंने ऐसे डिज़ाइन किया है हुड को। ये देखें इसके ऊपर मैंने ये बनवाई थी, ये देखें कबर्ड बनवाई है। तो ये मसाले हैं कभी कभी इस्तेमाल होते हैं, ये देखें जी ये कभी कभी इस्तेमाल होते हैं। और ये इसके साथ फिर ये रस और पापड़ वगैरह पड़े हैं, और ये भी फ्योनियाँ और ये चीज़ें भी कभी कभी इस्तेमाल होती हैं। ठीक है जी, तो ये देखें ये हुड के ऊपर है। तो ये वो अंदर से जो चिमनी होती है ना वो मुझे अच्छी नहीं लगती नंगी। तो ये देखें ऐसे माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लगता है। तो ये देखें जी ये कवर हो गया। और ये हम आते हैं इधर चूल्हे की तरफ। ये मेरा प्यारा सा चूल्हा है, ये देखें फूल मुझे बहुत पसंद है। फूल मैं जगह जगह पे रखती हूँ, मेरा शौक़ है फूल, मैं देखती हूँ मेरा दिल खुश होता है। और ये चूल्हे के पास ही मैंने रखा हुआ है, इसमें ये देखें जी इसमें मिर्चें, वो मेरी शक्कर है जो मैं अपनी चाय में डालती हूँ, पत्ती चीनी नमक ऑयल और गरम मसाला इधर है। और साथ ही नीचे वाले ड्रम में ये मेरी, जब मैं करती हूँ यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ तो ये मेरी डेकोरेट करती हूँ जब वो जूस वगैरह को, तो वो चीज़ें ये इधर हैं। रोटी वाले रुमाल हैं, साथ में डस्टर पड़े हुए हैं, तो जब भी ज़रूरत पड़ती है मैं इधर से ले लेती हूँ। अब देखें जी ये है चूल्हे के नीचे, ये देखें ये इधर हैं। और ये चीज़ें मैंने रखी हुई हैं, ये कभी कभी इस्तेमाल होती हैं, ये तो रोज़ ही होता है बंदा निकाल लेता है। ठीक है जी, तो ये देखें ये भी मैं बाहर से ही सारे ग्रिल पैन वगैरह लेके आई थी, अभी मैंने चैनल शुरू नहीं किया था तो मैं ख़रीद रही थी अपने किचन के लिए, तो अब काम आ रहे हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। और ये हैं जो फ्राई करते हैं उसकी ये चम्मच हैं, छाननी सी जो होती हैं दूध डांपने वाली छाननी, और वो कद्दूकश वगैरह। और ये देखें चूल्हे के साथ ही एक और है, ये देखें जी ये इसमें मेरे मसाले हैं। मैं मसालों को लिफाफों को कभी भी खुला नहीं रखती, ये मैं क्लिप इनको लगा के रखती हूँ, तो इतनी बोतलें फिर बंदा कहाँ से लाए। ठीक है जी, जगह भी नहीं इतनी होती। ये है और ये देखें जी ये मेरे मसाले पैक हैं, और सारी ग्रोसरी मैं ये करती हूँ जब तो ला के इसी में रख देती हूँ। और ये देखें जी अब हम ये हुड के साथ है, ये मेरी दो कैबिनेट ये देखें, और ये कभी कभी इस्तेमाल होते हैं, ये देखें ये कभी कभी कोई मेहमान आता है तो ये कप वगैरह इस्तेमाल होते हैं। तो ये ऐसे मैंने रख दिए हैं, ये देखें। और साथ में ये देखें जी ये मेरी, जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना तो मेरी ये चीज़ें हैं सारी, बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा शक्कर ये सारी चीज़ें मैं इस्तेमाल करती हूँ, ये भी कभी कभी इस्तेमाल होती हैं। और साथ में ये देखें जी ये मेरी आम घर में मैं इस्तेमाल करती हूँ बर्तन, ये मैंने इधर रखे हुए हैं। तो ये इधर मैंने सिंक के ऊपर ही रखे हुए हैं। तो ये देखें जी ये मेहमान आते हैं तो ग्लास इस्तेमाल करने होते हैं, तो ये सारे मैंने ग्लास इधर रखे हुए हैं। तो ये मैंने बेसन के सिंक के ऊपर मैंने ये चीज़ें रखी हुई हैं। तो ये देखें जी अब ये जो है मेरा
हम पानी ये वाला पीते हैं, ज़रा पानी इधर का सही नहीं आता, तो ये पानी की बोतल है हमारी, तो इसको मैंने इधर रखा हुआ है, नीचे नहीं रखा, पानी गिर जाता है, तो ये हमने इसको ये लगाई हुई है, क्या कहते हैं टूटी कह ले लगाई हुई है, इसको ऐसे पुश करते हैं ना तो पानी निकल आता है। ये देखे ये इसके आगे भी ये लगी हुई है, कोई कीड़ा मकोड़ा ना जाए अंदर। तो ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही फ़ायदे वाली चीज़ है। तो ये मेरे बर्तन हैं, ये देखें थोड़े से मैंने बर्तन रखे हुए हैं, हम दो तो हैं, तो ये बर्तन है, इधर ही धो के तो इधर ही रख लेते हैं, ठीक है। तो एक मज़े की चीज़ आपको मैं बताती हूँ, ये देखें ये गिलास, ये गिलास मेरे हस्बैंड पैदा होने से पहले का ये गिलास है, ये मेरे ससुर जब छोटे से थे तब का था ये गिलास, ये इतना पुराना गिलास है। अब मैं देख रही हूँ कली करने वाला मुझे मिले तो ये कली करा के मैं रखूँ, ये बहुत नायाब सा गिलास है। ये देखिए ये पीतल का है या तांबे का है ना, तो ये मेरा कॉर्नर है, जब मैं डिशें लगाती हूँ वीडियो बनाती हूँ तो ये मैं इधर रखती हूँ, ठीक है जी। तो अब मैं आपको अपना छोटा सा दिखाऊंगी, ये स्टोर है मेरा छोटा सा, ये देखें मिनी सा स्टोर है मेरा, ये मेरी देखचियाँ, देखचे इतने बड़े बड़े, और ये मेरी टोकरियाँ वगैरह हर एक चीज़ इसमें आई हुई है। तो ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है, कॉर्नर में है ये देखें ऐसे कॉर्नर में है, तो ये ऐसे खुलता है, ऐसे देखें ऐसे खुलता है, तो ये इसमें मैंने वो देखचियाँ वगैरह रखी हैं। और ये जो है ये मेरी आम इस्तेमाल वाली चीज़ें, ये देखें ये डिब्बे हैं, मैंने कभी भी फ्रिज में खाना ढक्कन के बगैर नहीं रखा, मैं डिब्बों में डाल के ये छोटी छोटी देखची हैं इनमें डालती हूँ, और ये नीचे कुकर वगैरह ये चीज़ें हैं। और क्या और कुछ रह गया, तो ये देखें जी, अब ये मेरे ये हैं मेरे मनी प्लांट है, ये बड़ा प्यारा सा मेरा, और तो ये देखें जी ये मेरी विंडो है, बाहर से नज़र आता है, हवा भी आती है और बड़ी मज़े की हवा आती है, दिल भी नहीं घबराता। तो ये देखें ये मेरा है मनी प्लांट माशाल्लाह, और ये मेरा टावल है कि इसे हाथ वगैरह साफ़ करती हूँ जब मेरे हाथ गीले होते हैं सिंक में, और ये मेरा प्यारा सा कह लें फूल, ये मिर्चों वाली टहनी है मैंने लगाई हुई है। और बस अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जी का बड़ा करम है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमें ये नेमतें दी हैं, और हम अल्लाह जी का शुक्र गुज़ार हैं, अल्लाह जी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, अल्लाह जी ने हमें बहुत नेमतें दी हैं। और ये मेरा प्यारा सा ये टाइलें बिल्कुल मैच की हुई हैं, मैंने वो जो दीवार पे लगी हुई है ना उनके साथ ये टाइलें मैच हैं। तो सारी चीज़ें मैंने खुद इनको ख़रीदा है, और मैं और मेरी एक दोस्त, कभी मैं अपने बेटे के साथ जाती थी और कभी मैं अपनी मेरी दोस्त है एक उसके साथ चली जाती थी, और ये मैंने सारी चीज़ों को खुद ख़रीदा है अपनी मर्ज़ी से मैंने अपना किचन माशाल्लाह बनवाया है। अल्लाह ताला आप जो भी किसी की भी कोई चीज़ देखें माशाल्लाह बोला करें, तो अल्लाह जी मेरे नसीब करें, दुआ किया करें और मुझे सेहत दे। और मैं दुआ करती हूँ जिन लोगों के पास नहीं है ऐसी चीज़ें, अल्लाह मेरा उन सब को ये चीज़ें दें और वो भी दुनिया में मज़े करें, और अल्लाह ताला उन सब को हर दुनिया की नेमत दे। तो अब दुआओं के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, आप अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखना। अल्लाह हाफिज़।